भारत पंजाब दे कई किसान हाले भी रिवायती खेती विच फसे हुए ने, पर कुछ एहो जिहे भी ने जो अगां वधू सोच दे चलदिआं रिवायती खेती तो बाहर निकल के अजिहियां फसलां दी खेती करन लग पए ने जिन्हां नूं विदेशां तो ज्यादा मंगवाया जांदा है। जिला पठानकोट विच इक बीटेक दा नौजवान अजिही ही खेती नूं लै के चर्चा विच आया होया। इस नौजवान ने बीटेक पास करन तो बाद बतौर इंजीनियर 15 साल काम कीता अते हुण अपनी नौकरी छड्ड के खेती दा धंधा अपना लिया है। इस नौजवान दा नाम है रमन सलारिया, जिसने कि अपने पिंड जंगला पहुंच के झोने कणक दे फसली चक्कर दी खेती नूं छड्ड के कुछ इस तरह दा करन दी ठानी जो लोकां दे लई मिसाल बन गया। उक्त नौजवान वल्लों अपने खेतर दे विच ड्रैगन फल दी खेती कीती जांदी है। ड्रैगन फल जिस दी उपज दे नाल नाल पिंड जंगल दे इस किसान रमन सलारिया ने होर भी कई फल बीज के मुनाफा कमाया है। खेतीबाड़ी विभाग भी रमन दे इस काम दी सराहना करदा है अते दूजे किसानां नूं रमन तो सिख लैण दी अपील कर रहा है। मेरा नाम सर रमन सलारिया और मेरा पिंड जंगल हैगा जिहड़ा कि अपने पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब च पैंदा हैगा। ये अपना ड्रैगन फ्रूट अपना स्टार्ट किया होया जिहदे च मेरे कोई 250 फुल लगे हुए है ते 1000 प्लांट्स हो गए क्योंकि कोल ते 4 अपने प्लांट्स लगते है 1000 प्लांट लगे हुए है जिद कि मैं अपनी मैं प्रोडक्शन ले इस बारी कोई नियर अबाउट 2 क्विंटल के करीब जो फ्रूट आप पहले साल ही तो ले चुके हैं जिद कि मार्केट वैल्यू आप इस टाइम अगर रिटेल की गल करते हैं 400 से 500 रुपए फ्लक्चुएट करती है। उन्होंने आप मतलब कि जो अपने वे स्टोरेज का बिग बाजार है ज होर व्डिया दुकाना उसे चैक कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप चैक कर सकते हैं 400 से 500 रुपए के हिसाब से भी आप काउंट करते हैं तो मैं 1 लाख रुपये आप मतलब कि फस्ट ईयर ही 4 कनालों से लै चुके हैं। बाकी की कहते आप अपना पपाया लाया है तो वह अपने मल्टी क्रॉप आप कुछ भी कर सकते हो जिदा मैं पपाया लाया वो एक अलग इनकम है कि इस तो अलावा पपीता सर मेरा कोई 250 प्लांट्स लगे हुए हैं पपीते भी तो पपीता ऑन एंड एवरेज जो सा मतलब कि कोई 50 किलो पर प्लांट से मतलब कि हम उम्मीद है कि आया आएगा और आ भी चुके तुम मतलब लिखा भी है तो अपना साडा जोड़ा है इतने रेट कोई 20-25 रुपये अगर मिनिमम भी लैके चलीए 20 से 25 रुपये थले नहीं आता है मीनस आप एक प्लांट तो 1000 रुपये आप पपाया का लै सकते जोड़ा तो पहला साल जिदा कि मैं लाया मैं तो अपनी गल करा जी पहले मैं जो लाया हुआ वो अं एक एकड़ तो पहले साल तो कि 2 लाख रुपये लै सकते हैं फ्रूटिंग तो आप 2 लाख रुपये तक लै सकते हैं एंड नैक्सट ईयर साड़ी जी प्रोडक्शन है थोड़ी होर वजेगी इदा करते करते आप मतलब कि तीसरे साल से आगे 5 से 6 लाख रुपये तक जा सकते हैं। ये सर एक बार लगे हुआ है एक बार लगे साडा अपना 25 साल यदि लाइफ हैगी 3 साल तो बाद आप पिलर की गल करिए पिलर तो 4 प्लांट्स लगते है मिनिमम भी अपने मन के लिए 10 किलो तो फ्रूट आएगा ही आएगा और जो अपने फ्रूट साइज मेरे आया है वो अपने 300 ग्राम तो लेकर 600 ग्राम तक जो मैं अपना फल तो तोड़िया है। मैं तो सर यही सलाह देना कि वधिया हैगी है रवायती खेती तो हट के ये चीज़ा है इन्होंने वाल आप मतलब कि आप ट्राई करिए मैं भी ट्राई ही किया चार कनाल मेरा ट्रायल सीगा जो कि सक्सैस रहा मैं कहूँगा कि मतलब कि होर भी किसान इस चीज़ वाल आन रवायती खेती तो हट के तुम कणक और झोने का हाल देख ही रहे हो तो इस रवायती खेती तो हट के आप इन चीज़ा लावे बहुत वधिया मैंने तो बहुत वधिया रिस्पोंस मिले मैं नैक्सट ईयर इन वधा भी रहा मेरा नैक्सट ईयर प्लान हैगा इन होर एक एकड़ एक्सटेंड कर बहुत जल्दी मार्च अप्रैल तक मेरा एक्सटेंड हो जाऊगा। तो ये बड़ी खुशी की गल है कि इन्होंने रमन उन्होंने पिंड जंगल के निवासी ने उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की जी है कि पठानकोट जिले के फस्ट टाइम जरा वा इसका उपराला किया वा जोड़ा कि साल के ही तो देख सकते कि देख रहे जे भी बहुत वधिया जी भी फसल हुई है तो इस बार इन्होंने वो तो होर इनकम लैन वास्ते जी ताड़ी हल्दी भी नाल लाई है तो नाल जरा वा ताड़े पपीते भी लाए आ तो ये की है कि एक तो जी ड्रैगन फ्रूट तो दूगा ही दूगा इनकम नाल एडिशनल इनकम जी होगी वो पपीते का एक होर फायदा होगा कि इनू जो छां चाहिए है तो ये छां का भी कम करेगी सो वो जो एक बेनीफिट दोहरा होगा इनू भी जरा ड्रैगन फ्रूट के नाल जरा वा एक पपीता लिया वा पपीते नाल जरा वा उन्होंने जरा वो जो उन्होंने बेनीफिट जे जी छां वा जो होर न्यूट्रिएंट वैल्यू आनू मिलेगी। सो मैं तो किसान वीरों में बेनती यही करता वा कि ठीक है तुम झोने कणक तो बाहर निकल के अजू बाहर निकल के तो जरा वा जड़िया नकदी फसलों ने वाल आने की लड़ है
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।